जिनेन्द्र जेन टॉक्स के वन फिफ्टी फर्स्ट सेशन में आप सब का स्वागत है आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ ऑनरेबल बहुत ही ज्यादा सक्षम और स्कॉलर कह सकते हैं आप उस तरह के महान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर रंजीत सिंह कुमत सर रंजीत सर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं और, और आज रंजीत सर हमें ध्यान से कषाय ध्यान के उपयोग से कषाय से मुक्ति इस विषय पे हमें व्याख्यान देने वाले हैं थोड़ा थोड़ी बात इस अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे कहा जाता है कि जैसा बीज बोया जाता है फल भी वैसा ही मिलता है मीठे का स्वाद मीठा होता है कड़वे का स्वाद कड़वा होता है लेकिन अगर मीठे का स्वाद या शहद का स्वाद अगर ज्यादा जा, बढ़ा दे तो कड़वापन कम हो जाता है इसी तरह से अगर हमें कषाय द्वारा जमा किए कर्म बंधनों को कमजोर करना है तो ध्यान उसमें बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि ध्यान यहाँ उस शहद के समान होता है जिसको करने से हमें जीवन की वास्तविकता को बहुत आसानी से समझने में म, समझने में मदद मिलती है ध्यान व्यक्ति को आसक्ति और घृणा से दूर रखने में मदद करता है और उसके मन को लगातार रिफाइंड करता रहता है और एज अ रिजल्ट कर्म बंधन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं सो so, इस सब्जेक्ट uh, पे आज रंजीत सिंह सर जी हमें बहुत कुछ आगे बताने वाले हैं और साथ ही साथ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन भी सिखाने वाले हैं जिसमें हम ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहा जाता है ये सच है करने योग्य है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका टॉक के मंच पे बहुत बहुत खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे इस समय आ, इस वन फिफ्टी फर्स्ट सेशन में को आपका प्रेजेंस uh, मिलने का अवसर मिला बिफोर यू स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू दो आई से ब्रीफ बिकॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट यू कैन बी ह्यूज बिकॉज यू आर सो अकॉम्पलिश्ड मैं जब आपका आपकी डिटेल्स पढ़ रही थी तो मुझे लगा मैं आ, मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ हाउ एवर आई टेक कपल ऑफ मिनट्स टू इंट्रोड्यूस यू इंट्रोड्यूस यू फॉर्मली सो वी आर ऑनर टू हैव मिस्टर रंजीत सिंह कुमत जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं जैसा कि मैंने बताया ही हेज़ डन एम ए इन इकोनॉमिक्स फ्राम डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यू वर्कड हीज वर्कड ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सच एज collector and district magistrate of ajmer jaipur jalwar districts he was a director of important public organizations many important public organizations and retired from the post of chairman of revenue board He is associated with many many philanthropic and civil society institutions worked as apex president of mahavir international jaipur president of rajasthan adult education association Chief Commissioner of Rajasthan, Bharat Scout and Guide, and received award of Silver Elephant, the highest award in Scouting in India, from the President of India for Scout and Guides. He founded Mahavir Smarak Seva Samiti at Ajmer for the benefit of students at the uh, of poor, poor students. He, had, he has also worked as the President of Shvetambars Thanakwasi Swadhyay Sangh, Gulapura for about fifteen years. He was a joint secretary of Bhagwan Mahavir Viklang Seva Samiti Jaipur and president of Sri P.K.V. Hospital, Bijan Bijanagar. Presently, this hospital is serving the poor public of Bijanagar and surrounding villages of Ajmer. Ranjit Sir has also published many books on spiritual topics based on Jain philosophy, Gita, Upanishad and also Bible and Yoga. His first book was मुझे मोक्ष नहीं चाहिए आई डू नॉट वॉन्ट ग्रेट इंटरप्रिटेशन ऑफ जैन प्रैक्टिकल लाइफ टू शेड रिचुअल एंड रियलाइज द ट्रू धर्म दे और मन से फेरे ये उनकी हिंदी पब्लिकेशन है विच वॉज अ क्लेम फॉर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल जैन प्रैक्टिस लाइक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमणसर समलेखन And sutras of acharanga Sutra in a novel and refreshing manner. Self awareness through meditation in English and Dhyan Se Swabod, Swabod in Hindi was published in 2007. As a Kai book, Jinone Likhid Ranjit and it's all his contribution to make us, uh, uh, make us aware of what is happening and what can be done. We are so grateful, sir, that you have taken so much effort and initiative in the field of humanity. So, sir, uh, and also I must not forget to tell you that he has been practicing meditation since 1978 and have trained people in meditation by holding camps from time to time since nine, uh, since 2012. So, I with this very small brief, I've really cut short into really small piece of uh, information. I would like to.

सिद्धं शरणं <coughs> Dhammam धर्मं शरणं पवजामि हरिहन्तं पवजामि सिद्धं शरणं पवजामि Sahu शरणं पवजामि वजा अरिहन्तो शरणं पवजामि सिद्धं शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि दमं शरणं पवजामि चार शरणमङ्गलकर्णा शरणा कोय जो भव प्राणी आदरे हो जैन फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार जी शाह श्री नील शाह कोऑर्डिनेटर हैं स्मिता जी केबिन मेहता जी और सभी श्रोतागण आपने मुझे ये मौका दिया और आपने इस संस्था के माध्यम से करीब 150 ऑलरेडी टॉक्स कर ली हैं और एक सौ इक्यावन में मुझे नंबर आया है बहुत खुशी की बात है एक अच्छा नंबर है ये भी तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया और से जो भी मेरी बात है मैं आगे कह सकूंगा सर्वप्रथम मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री पन्नालाल जी महाराज साहब और श्री हस्तिमल जी महाराज साहब को नमन करूंगा जिनकी प्रेरणा से जिनके स्पिरिचुअल गाइडेंस से मेरे को कुछ पढ़ने का लिखने का समझने का मौका मिला और मैं कुछ बातें आपको सामने रख सकूंगा तो सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे तो मैं यहां से शुरू करता हूँ कि जीवन जो हमको मिलता है हम सब चाहते हैं कि सुख मिले आनंद मिले कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता लेकिन वास्तविकता ये दिखती है कि सब तरफ दुख दिखाई देता है कोई किसी कारण से दुखी है कोई किसी कारण से दुखी है और उस दुख के लिए अनेक अनेक उपाय करते हैं भागते हैं इधर उधर कोई मंदिर जाता है कोई तीर्थ जाता है कोई जो है मान्यता लेता है कोई कुछ करता है यहाँ तक कि बलि भी चढ़ा देते हैं पुरुष की जानवरों की ये सब केवल इसलिए कि उनको उससे सुख मिले तो सुख की तलाश में बहुत भागदौड़ सब जगह हो रही है लेकिन दुख में ही सब पल रहे हैं सब जी रहे हैं जिसको बुद्ध ने आर्य सत्य के रूप में कहा कि दुख है और सब तरफ दुखी दुख दिखाई दिया हमको तो हम दुख से कैसे मुक्ति पाए से बाहर निकलें यही हमारा जीवन का प्रयास होता है लेकिन हम जो जो भी प्रयास करते हैं दुख को निवारण के वो सब उल्टे प्रयास होते हैं सीधे प्रयास नहीं होते हैं और उसकी वजह से हम दुख को आप बढ़ा लेते हैं बजाय सुख पाने के तो इस बात को यू समझें कि सुख दुख सुख का कर्ता कौन है तो, तो जैन दर्शन में भी जो सबसे बड़ा सिद्धांत सबसे जी, जो सबसे पहली बात कही गई है कि अपने सुख दुख के उत्तरदायी हम हैं कोई दूसरा नहीं है और उसको इस तरह से उत्तराधन में सूत्र कहा है अपा कत्ता ये विकत्ता ये दुहाण ये सोहाण ये मतलब हम जो भी करते हैं वो हम खुद ही करने वाले हैं दुख के और सुख के इसी तरह आचारांग सूत्र में बोला है बंधप बंद और मोक्ष सब अंदर है तुम्हारे अंदर है बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है तो इसी बात को लेकर के हम दुख का कारण और निवारण इसकी बात करेंगे पर ये करने से पहले मैं कहा गया तो ये चर्चा करने से पहले दो बातें दो अवधारणा है उनको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा पहली अवधारणा तो ये है धर्म के बारे में धर्म के बारे में बहुत लोगों को जो है अंधविश्वास है या दूसरे ज्ञान है जिसको लेके चलते हैं पहला ये कि धर्म कुछ करने की चीज है तो हम क्या करते हैं समाई करते हैं प्रार्थना करते हैं मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं उपवास करते हैं अठाई करते हैं मास खमन करते हैं सब करना ही करना है मेरा कहला सबसे पहला कथन ये है मेरी अवधारणा ये है कि धर्म करने की चीज नहीं है धर्म होने की चीज है मतलब हम अपने आप को बदलें अपने आप को परिवर्तन कर पाए तो ही धर्म है करने से कोई धर्म नहीं होता है दूसरी अवधारणा मेरी यह है मोक्ष की जो मैंने लिखी किताब की कि मोक्ष नहीं चाहिए तो मोक्ष कौन सा नहीं चाहिए मरने के बाद जो मोक्ष होता है उसका मुझे कोई मतलब नहीं है मरने के बाद मैं मुक्त हुआ या नहीं हुआ मुझे क्या पता है मैं जन्मूंगा कि नहीं जन्मूंगा मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन अगर जिंदा रहते हुए मैं मुक्त घूम सकूं जिंदा रहते हुए मुक्त बंधन मुक्त घूम सकूं तो फिर मतलब है कि हाँ मैं मुक्त हूं तो मुक्त जो है मुक्ति एक स्टेट ऑफ माइंड है मोक्ष एक प्लेस है तो मुझे प्लेस से कोई मतलब नहीं है मैं वहां कहा जाऊंगा को कहते हैं कि ये मोक्ष जो है लोक के अंत में है अब मैं वहां जाकर के चमगादड़ की तरह लटक जाऊंगा मेरी आत्मा वहां जाकर लट जाएगी तो मुझे क्या पता लेकिन आज मैं यहाँ जिंदा हूं और यहां मैं मुक्त हो, मुक्त हो करके आनंद से नहीं जी पा रहा हूं तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है मेरी मुक्ति इसी बात में है कि मैं जिंदा मुक्त हूं अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहें कि तेरहवे गुण स्थान का अगर मेरे को प्राप्ति हो करके मैं जिंदा रह सकूं तो ज्यादा अच्छा है जिसमें मैं मुक्त होकर के जी, जी सकता हूं तो इस इन दो अवधारणाओं को ध्यान में रखने के बाद अब मैं इस अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो कर्ता हम हैं कर्म के कर्ता हम हैं और उसके भोक्ता भी हम हैं तो कर्ता और भोक्ता हम हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे हमको दुख होता है ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें सुख हो तो हमारी अवधारणा कहाँ गलत हो रही है अवधारणा इसी बात में गलत हो रही है कि हमने भौतिक साधनों को सुख का कारण मान लिया है कि जितने अधिक भौतिक साधन हमारे पास होंगे हमारे पास सुखी सुख के साधन होंगे मकान होगा महल होगा कार होगी हवाई जहाज होगा और अधिक से अधिक पैसा होगा तो मेरे पास बहुत सुख होगा बस इसी परिग्रह और जीवन की यह धुरी बन जाती है पैसा कमाना है धन इकट्ठा करना है सुखी के साधन इकट्ठे करने हैं और इसी चक्कर के अंदर हम आगे से आगे अपने दुख की श्रृंखला बढ़ाते जाते हैं और पैसा कर इकट्ठा करने के लिए अच्छे और बुरे का भी ज्ञान खत्म हो जाता है अच्छा काम अच्छे तरीके से कमाना एक बात है तो बुरे कमाने से भी चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे काला बाजार हो चाहे दो नंबर का पैसा हो चाहे कुछ भी हो हमें बस पैसा चाहिए चाहे किसी भी तरीके हो तो उसका फल तो बुरा ही मिलेगा ना उसके बाद अच्छा कहां से आएगा और पीछे जो भावना है चित्त की धारणा है वो ही निर्धारित करती है कि आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा चित्त की धारणा गंदी है तो फल वैसा ही मिलेगा हम कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं कि उसका कर्म बनता है मैं कहता हूं कि हर काम का कर्म नहीं बनता क्रिया अलग है और कर्म अलग है तो क्रिया करना एक बात है और कर्म का बनना दूसरी बात है कर्म कब बनता है कर्म बनता है जब कर्म के साथ कषाय जुड़ा हुआ हो कषाय का मतलब है क्रोध मान माया और लोभ जब इनका मिलान होगा तो वो कर्म जो है बनेगा अगर चित्त में मेलापन है कषाय है तो वो क्रिया जो है हमको कर, हमको कर्म के बंधन में बांधेगी और हम उसका उससे दुख पाएंगे अगर हमने अच्छे भन मन से काम किया है हमने भले मन से काम किया है किसी की भलाई की है तो हम उसका जो है कोई दुख नहीं मिलेगा लोग कहते हैं साहब पानी पिलाओगे तो पानी के जीव मरेंगे इसलिए किसी को पानी पिलाओगे तो पाप लगेगा बड़ी अजीब सी बात है पानी पिलाने में पाप लग जाएगा अगर आपकी भावना अच्छी है और पानी पिला रहे हो तो पानी का, पानी का के जीव मर रहे हैं उसमें क्या है तो ये कितनी गलत धारणाएं हो जाती है यहाँ तक कहते हैं पुण्य बेड़ी है सोने की बेड़ी है ऐसे करके लोगों ने ऐसे गलत धारणाएं फैला दी है जिससे कि अच्छे काम करने वालों को भी जो है पीछे हटना पड़ता है या भूल जाते हैं कि हमें इसका इसको क्या करना है तो गलत धारणाओं की वजह से हमारा धर्म जो है बहुत गलत रास्ते पे चला जा रहा है तो भौतिक साधनों के पीछे जो भागदौड़ है उस भागदौड़ को बंद करके और हम अगर हम अपने सही रास्ते पे आएंगे तो ही हम जो है सुख पा सकते हैं अगर हम उसके पीछे भागते रहेंगे कि हम जाना चाहते हैं कलकत्ता और बैठ गए दिल्ली की गाड़ी में तो कैसे पहुंचोगे इसी तरह सुख चाहते हो लेकिन काम दुख दुख के कर रहे हो तो कैसे होगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आइटम है कि आप भौतिकता से अध्यात्मिक की तरफ मुड़ो ये जब तक दिशा नहीं पलटेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है तो भौतिकता से अध्यात्म की ओर मुड़ने हैं इसमें एक कविता मैंने जो मेरी किताब है नई किताब अभी जीने की राह जो लिखी है अभी गए आदमी उसका थोड़ा सा कविता बता देता हूं भौतिकता की छोड़ चका जो बनता है अंतर्मुखी वही है सीढ़ी पहली आध्यात्मिकता की अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो सबसे पहले अंतर्मुखी होना पड़ेगा जब तक है चाह और आकर्षण धन दौलत और राग रंग का तब तक चढ़ता नहीं रंग आध्यात्मिकता का सबसे पहले समझ में आए कि सुख नहीं है धन दौलत और राग रंग में सबसे पहले समझ में आए कि सुख नहीं है धन दौलत और राग रंग में सब क्षणिक और अवास्तविक सबैक्षणिक तृष् है अनंत और बढ़ती अमर बेलसी तृष्णा है अनंत और बढ़ती अमर बेलसी एक चाहत हो तो एक चाहत हो पूरी तो अनेक नहीं खड़ी होती चाहत रहते कोई सुख नहीं है सुख तो है चाहत के अभाव में चाहत रहते कोई सुख नहीं है सुख तो है चाहत के अभाव में जब होगी समझिए पक्की तब आध्यात्मिकता पनपेगी तब आध्यात्मिकता पनी कविता भी लंबी है मैं इसको आगे नहीं पढ़ा रहा हूं मेन चीज यह है कि अगर हमें सुख चाहते हैं तो भौतिकता की बजाय आध्यात्मिकता की तरफ आना होगा और जो भी हम काम कर रहे हैं उनमें चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है यानी कषाय का हटना बहुत जरूरी है कि कषाय से ही कर्म बनता है एक संत ने लिखा है कषाय मुक्ति किल रे किल मुक्ति रेव कषाय मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है और कषाय कहते हैं कि इसको ये मैंने भी बताया वापस कि भी रिपीट करता हूं कि क्रोध मान और माया लोग ये चार कषाय माने जाते हैं जैन धर्म के अनुसार इनको दूसरों ने भी इसी तरह से माना है कुछ आगे पीछे किया जा सकता है पर मेन चार, चार चार हैं क्रोध मान माया लोभ अब इसमें दशवेकालिक सूत्र में लिख बताया है कि क्रोध कषाय का प्रभाव क्या है क्रोध प्रीति का नाश करता है मान विनय का नाश करता है माया मित्रता का नाश करता है और लोभ सर्व गुणों का नाश करता है कोई भी गुण नहीं बचता है तो ये मोह और तृष्णा ये जो है हमारी लोभ ये कसाई की परंपरा बराबर चलती रहती है और उसी वजह से हमारा काम चलता जो है जीवन बढ़ता है तो ये हमारी जो आत्मा है आनंदमय है हम दुख में हैं तो उसका जो मेन कारण मैंने बताया अभी आपको कि वो है राग और द्वेष दुख के मूल कारण है और आत्मज्ञान पे आवरण भी कर्मों की वजह से यार कर्म कहाँ से आते हैं कि भौतिक साधनों में आसक्त होकर के भूल जाते हैं और आनंद और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं तो मुक्ति के लिए ज्ञान के लिए और ज्ञान के लिए कर्मों को समाप्त करना होगा तो एक बात और बताना चाहता था कि ये कषाय जो है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आठ कर्म जो हमारे हैं उसमें मोहनीय कर्म जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है कर्मों का सेनापति माना जाता है और मोहनीय कर्म को अगर क्षय कर देते हैं तो बाकी सब कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं चाहे ज्ञानावर्णय हो चाहे दक्षणा हो तो मोहनीय कर्म का जो भेद देखते हैं तो दो भेद हैं दक्षणा मौनिय और चरित्र मोहनीय दर्शन मौनी में तो मिथ्यात्व और मोहनी मेन चीज है जिसके मिटने से समय आता है तो मिथ्या तो खत्म हो जाता है लेकिन चरित्र मोहनी के अंदर जो मूल है वो है कषाय क्रोध मान माया लोक इन चारों कषाय की जो सोलह भेद है वो ही इस बात तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अगर मोहनीय कर्म को खत्म करना है या कर्मों को खत्म करना है तो कषाय का निवारण करना पड़ेगा तो इसलिए कर्म संस्कार का जो निर्माण होता है वो कषाय से अभिप्रेरित है कषाय से ही कर्म की स्थिति और अनुभाग वगैरह सब इसमें आते हैं और इसमें जो कषाय विजय से जो फायदा है कषाय विजय से पूछा कि क्या लाभ है तो उत्तराध्यान सूत्र में बताया कि शांति मृदुता सरलता संतोष गुणों की प्राप्ति होती है नए कर्मों के बंद पर रोक होती है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है अब जो कषाय के जनक हैं, दो हैं मोह और तृष्णा मोह और तृष्णा से जनते हैं राग और द्वेष और राग और ही हमारे जीवन हमारी जो कर्म श्रृंखला है उसको बढ़ाते हैं एक जगह आया है कि हमारी कषाय की उत्पत्ति की परंपरा कैसे होती है बुगली से अंडा होता है अंडे से बुगली होती है उसी प्रकार से मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह तो कर्म ही जन्म मरण का कारण है तो जन्म मरण जो होता है वो उसका बीज जो है वो मोह और तृष्णा है इसको थोड़ा सा इस इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए जैन और बुद्ध परंपरा दोनों में दुख और जन्म मरण की कड़ी को बताया है पहला है अविद्या अथवा मोह अविद्या या मोह की वजह से हमारा जन्म होता है और जन्म के साथ तृष्णा आती है तृष्णा का मतलब लोभ है और उसी से परिग्रह मोह बढ़ता है मोह बनता है और उसी से वापस जन्म मरण के अंदर चक्कर में फंसते हैं तो ये अविद्या मोह जन्म तृष्णा जो है इसी को बुद्ध पति पति संपुदा में बुद्ध धर्म में बताया है उसमें एक थोड़ी सी गलत थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है अविद्या मोह से जन्म है जन्म से इंद्रियां मिलती है इंद्रियों से हमको स्पर्श मिलता है क्योंकि इंद्रियों इंद्रिया स्पर्श है आंखों से स्पर्श करेंगे या हाथ से स्पर्श करेंगे तो इंद्रिया जो है वो एक वेदना हमारे को वेदना देती वेदना में संवेदना जो तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो हम उसके पीछे भागते हैं, तो उससे एक तृष्णा बनती है और उस तृष्णा से मोह पैदा होता है और फिर वापस जन्म में आ जाती है तो ये एक जो नई कड़ी डाली है बुद्ध धर्म में कि वेदना इंद्रियों से जो स्पर्श और वेदना होती है वो वेदना ही हमको तृष्णा में डालता है क्योंकि हम उसके पीछे भागते हैं इस इसी को लेकर के आगे मैं ध्यान के बारे में बताऊंगा तो इसलिए जैन परम है तो जन्म के बाद सीधा तृष्णा बता दिया कि जन्म है तृष्णा है तृष्णा से वापस मोह है मोह से वापस जन्म है पर बुद्ध परंपरा में जन्म के बाद वेदना और तृष्णा की कड़ी बताइए तो वेदना और तृष्णा की कड़ी है ये एक ऐसी कड़ी है जिसको हम पहचान सकते हैं और इसको पहचानने के बाद इस कड़ी को हम तोड़ सकते हैं अगर हम कड़ी को तोड़ दें तो हम अपनी जो है कर्म श्रृंखला उसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि वेदना को अनुभूत किया जा सकता है अपने वेदनीय कर्म भी बताता है कि उसमें वेदना जो है कैसे आगे आती है तो तो इसलिए कर्म मुक्ति से उपाय दो ही हैं संवर और निर्जरा संवर का मतलब है नए कर्मों को आने से रोको नए कर्म आएंगे नहीं और पुराने कर्म है उनको समाप्त करना ये दो ही तरीके हैं जैसे तालाब का अगर पानी सुखाना है तो पहले तालाब में जो पानी आ रहा है उसको आप रोकेंगे और पानी को रोकने के बाद ही आप पुराने पानी पुराने पानी को निकाल सकते हो अगर नया पानी आता जा रहा है और पुराना पानी को बाहर निकाल रहे हो तो ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है इसलिए नए कर्मों के आप पर रोक को संभर कहते हैं और पुराने कर्मों को समाप्त करने को निर्जरा कहते हैं तो ये संवर के उपाय तो संक्षेप में बता देता हूं कि संवर का उपाय है कि सम्यक्त्व सम्यक्त्व मतलब सही दृष्टि संसार के व्यापार के प्रति सही सोच क्या हमारे को फायदा देगा क्या हमारे मार्ग जो है सही है या गलत है अगर हमने भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं तो मिथ्यात्व तो हो गया और वही हम अगर आध्यात्मिक भागेंगे तो वो सम्यत्व हो गया इसी प्रकार अप्रमात मतलब जागरूकता हम जागरूक है हम क्या कर रहे हैं हमें मालूम है अगर हमने इसके प्रति अपना ध्यान नहीं रखा तो हम गलत गलियों में चले जाएंगे इसी प्रकार अकशा मतलब क्रोध मान माया लोभ से मुक्ति विरति का मतलब है अहिंसा सत्य अचौर्य आदि व्रत लेना और शुभ योग मतलब मन वचन का है के शुभ का चिंतन करना ये जो है ये संवर के उपाय हैं और निर्जरा के उपाय दो हैं वायु और अंतरिक वाह्य तो छह प्रकार के अनशन उणोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग कलेश और पतिसली ये वायु है मतलब ऊपर ऊपर के अनशन शरीर को जो है दुख दे शरीर को कष्ट देना अनशन उणोदरी भिक्षा रस परित्याग ये अपने आप में अच्छे हैं इनसे अपने हमारे कर्मों का नाश होता है लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आंतरिक प्रायश्चित विनय वैयावच का मतलब है सेवा सबकी सेवा केवल साधुओं की नहीं गरीब की बूढ़ों की सबकी से, सेवा स्वाध्याय यानी पढ़ना और अपना अपना मनन करना ध्यान और कायोसर ध्यान से भी ऊपर है कायोसर काया में जहाँ काया को आपने उत्सर्ग कर दिया काय से बिल्कुल अलग हो गए जहाँ पे ट्रांसेंड कर दिया बॉडी को वो जो है काय स्वर्ग है तो ये उपाय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूं कि ये लोग मानते हैं कि साहब ये इंद्रियां हैं इसकी वजह से हमको ये जो है हमको पैशन आता है हमको विषय विवाद होता है अगर ये इंद्रिया नहीं होती तो हमको कर्म बनता ही नहीं हम इनके पीछे भागते ही नहीं काम भोग में हम लगते ही नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि साहब इंद्रिया खराब है तो आंखों को फोड़ दो कान से गड़बड़ होती है तो कान को फोड़ दो और यहाँ तक कि लोग जो है सेक्स के मामले में जैसे तो सेक्स को ही सिल देते हैं मतलब यहाँ अफ्रीका के केस के अंदर मैंने पढ़ा कि उसके अंदर वहाँ की महिलाओं के जो, जो गुप्तांग है उनको ही सिल देते हैं कि भाई ये हुए नहीं तो क्या है सेक्स के अंदर ये पड़ेगी नहीं तो ये चीज इतनी गलत है हम इंद्रियों को होते हुए काम भोग में न फंसे तब बात है अगर तो इसलिए काम भोग जो है वो हमारे काम भोग अपने आप में महत्व तो नहीं रखता है मैं तो है कि उस काम भोग के प्रति हम संकल्प विकल्प के उसके पीछे भागते हैं उसमें समता नहीं रख करके उसके प्रति ती, तीव्र तृष्णा करते हैं तीव्र उनके पीछे भागते हैं उससे जो है हमारा कर्म बंद होता है अपने आप में काम भोग जो है कोई नुकसान नहीं है लेकिन काम भोग के पीछे तृष्णा में फंस जाते हैं तो विकृति आती है और उसी से मोह बढ़ता है और संकल्प बढ़ता है और उसके बाद हम फस जाए इसलिए कर्म संस्कार की कड़ी को ध्यान दें कि काम भोग या इंद्रियों के विषय से विकृति पैदा नहीं होती उसके प्रति मोह या ममत्व से कर्म बंद होता है यदि समता रहे तो तृष्णा क्षीण हो जाएगी और समता से ही विकरागता प्राप्त होती है विताग आत्मा के सब कर्मों का क्षण क्षण, क्षण क्षण भर में हो जाता है कहने का मतलब यह है कि काम भोग करने में ऐसी कोई बात नहीं है काम भोग में करिए लेकिन उसके प्रति जो राग द्वेष है ममत्व है तृष्णा है वो जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी समता बनी रहे समता रहे तो हम जल्दी जो है अपने तो अब ये जो वेदना तृष्णा की कड़ी है इसको थोड़ा समझ लें कि इंद्रियों के विषय शब्द रूप स्पर्श स्वाद गंध आदि मिलते हैं उससे हमको वेदना अनुभव होती है नहीं अच्छा गाना सुनते हैं तो हम गाने के प्रति हमको लगता है कि हमने अच्छा सुना है अब हम उसको सुन कर के उस सुखद अनुभूति को अब हम उसमें चाहने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं हमें और चाहिए हमें और चाहिए ये तृष्णा जगाना या उसके प्रति राग जगाना या अगर अच्छा अच्छा नहीं है उसके प्रति द्वेष जगाना ये है दर्द देश की प्रतिक्रिया ये वेदना की कड़ी है वेदना और तृष्णा की अगर ये इस कड़ी को हम किसी तरह से तोड़ सके तो हमारी जो है परंपरा दुख की परंपरा हो सकती खत्म तो इसमें नश्वर की बजाय शाश्वत की तलाश करें बाहर की जगह अंतर में रमण करें अंतर में शाश्वत चेतना की आवाज सुने निज चेतना प्रज्ञा का स्रोत है अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रयाण करें अंधकार से प्रकाश की ओर प्रयाण मतलब दुख की परंपरा बदलने के लिए हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए क्या चीज नश्वर है और क्या चीज शाश्वत है जो नश्वर है उसकी तलाश बंद करो शाश्वत की तरफ करो बाहर की जगह अंतर में रमण अब अंतर में अनुभूति अंतर्मुखी होने के लिए अंतर्मुखी होने का साधन क्या है तो अंतर्मुखी होने का साधन है ध्यान अंतर्मुखी होने का साधन है ध्यान अब मैं थोड़ा आपसे निवेदन करूंगा कि पांच मिनट के लिए आप मेरे साथ जुड़े और ध्यान के अंदर सब लोग अपने स्थान में जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे और आंखें बंद करके केवल अपने श्वास के ऊपर ध्यान देंगे सांस की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे लंबी चौड़ी कोई सांस को रोकना नहीं है या सांस को जो है तेजी से नहीं करना है जैसा सांस आ रहा है उस सांस को केवल देखना है सांस आ रहा है सांस जा रहा है और मन केवल सांस के ऊपर रहे हमें ध्यान रहे कि सांस आ रहा है सांस जा रहा है शुरू करेंगे सांस को देखेंगे सांस लंबा आया तो कोई बात नहीं लंबा है छोटा आया तो छोटा आया मन सांस के प्रति जगत जागृत रहे हमें हर सांस का पता रहे कि सांस आ रहा है या सांस जा रहा है केवल सांस को देखना है और मन अगर इधर उधर चला जाए सांस का ध्यान नहीं रहे तो वापस आप अपने मन पर आ जाएं अपने सांस पर आ जाएं सांस को देखें थोड़ी देर मेरे साथ अभ्यास करेंगे सांस आ रहा है सांस जा रहा है पूरा ध्यान सांस पर हमारी जागृति इसी में बनी रहे कि हम सांस को देख रहे हैं हम सबूत पे जा रहे हैं स्वय को जान रहे हैं हमारा सांस आया या गया अगर सांस का पता नहीं लग रहा है तो एक दो सांस सायास ले ले लेकिन जो नेचुरल तरीके से नैसर्गिक तरीके से सांस आ रहा है या जा रहा है उसको उस पर ध्यान दें सांस आया सांस गया Ooh, Radhani Sanskrit. नमो हमने थोड़ी देर कोशिश की सांस को देखने की ये एक प्रयास था समझने का कि हम कैसे अपने आप में शांत हो सकते हैं अभी पांच मिनट में ही आपने शांति अनुभव की होगी अगर इसी को आप एक घंटा या पचास मिनट जो समय का समय है उसमें आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप अंतर्मुखी बनेंगे आप बाहर से हट के अंदर आएंगे जो दिन का दिन प्रति का व्यापार है उसको छोड़ करके अपने अंदर को देखेंगे श्वास को देखने के साथ अब जो आगे की प्रक्रिया है कि केवल श्वास नहीं श्वास के बाद हम फिर शरीर की वेदना संवेदना जब प्रैक्टिस पूरी करेंगे दस दिन की तो उसमें हम अपने शरीर पे होने वाली सभी अनुभूतियों को देखेंगे कहीं शरीर पे सिकुड़न होगी फड़कन होगी आँख में होगी नाक पे होगी खुजली होगी कुछ भी होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे और प्रतिक्रिया नहीं करेंगे प्रतिक्रिया ही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हम कोई बात सुनते हैं कोई बात अनुभव करते हैं फट से प्रतिक्रिया कर देते हैं तो यहाँ पर हम ध्यान के माध्यम से अंतर्मुखी होकर के अपने आप को जानेंगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा मस्तिष्क जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है चेतन मन और अवचेतन मन चेतन मन तो दस परसेंट है बाकी अवचेतन तो मन नब्बे परसेंट है जब हम सोते हैं तो चेतन मन तो सो जाता है लेकिन अवचेतन मन सोता नहीं है, वो बराबर काम करता रहता है तो वो जो काम करता रहता है वो उसके अंदर हमारा सारे पुराने संस्कार वहां पर सोए पड़े होते हैं वो जागते हैं तो इसी प्रकार जब हम ध्यान में जाएंगे तो वो अवचेतन मन भी जागेगा उसमें से कुछ चीजें उखड़ के आएंगी कुछ पुरानी बातें आएंगी अब वो जो उखड़ के आएंगी आवेश आएगा उस वक्त हम अपनी समता में रहें और उसको भी देखना सीखे तो ध्यान का इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जो कुछ हो रहा है उसको दृष्टा भाव से दृष्टा दृष्टाभाव हमारे जीवन में आ जाए तो हम जो चीज हो रही है उसके प्रति प्रति प्रतिक्रिया न करके और हम केवल दृष्टा भाव से देखेंगे दृष्टा भाव से जब देखने लग जाते हैं तो अब हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो वापस उधर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है हम जब अपने श, शरीर के प्रति सजग हो गए और शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग होकर के हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो बाहरी जगत में भी जब हम हमें कोई कुछ कहेगा कुछ सुनेगा कोई कुछ गाली देगा या कुछ अपशब्द कहेगा तो अब हम उसको प्रतिक्रिया नहीं करेंगे उसको समझ करके शांत होकर के उसको थोड़ा मीठे से जवाब देंगे या नहीं भी करेंगे कुछ भी हो तो वो जो हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो श्रृंखला बढ़ेगी नहीं ना अभी लड़ाई होती है गुस्सा होता है तो इसमें एक होता क्या है एक आदमी ने कहा फिर दूसरे ने कहा फिर ये कहा तो वो बढ़ती चली जाती है तो हम अगर सजग हो जाए और उसको प्रतिक्रिया को करना बंद कर दें, तो हमारी श्रृंखला जो है वो टूट जाएगी और हमारे अंदर जो भी बोध आएगा स्वबोध वो स्वबोध कब आएगा जब हम अपने आपको देखेंगे कि अभी क्या आया क्रोध आया अभी क्या चीज़ आई, लोभ आ रहा है अभी क्या हो रहा है ये हम जानने लगेंगे कि अब इस वक्त मैं लोभ में हूँ या क्रोध में हूँ अब ये जागना यही इसको कहते हैं अप्रमाद इसी को कहते हैं जागना तो आचार्य में कहा है सुत्ता सुनी ए ए मतलब जो सो रहा है वो अ है और जो जाग रहा है वो ही मुनि है इसलिए हम जागरूक हो जाएं तो ध्यान से स्वबोध जागे स्व के प्रति जागरूकता आए तभी हम आगे जो है आगे बढ़ सकते हैं तो श्वास पर हमने शुरू किया तो श्वास पे क्यों किया क्योंकि श्वास में श्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है और श्वास के साथ में मन जुड़ा हुआ है तो जैसे ही हमारा मन गड़बड़ होगा तो श्वास तेज हो जाता है अगर हम मन शांत है तो श्वास भी धीरे हो जाता है इस श्वास को देखने से और शरीर श्वास को देखने के बाद शरीर को देखेंगे शरीर के साथ विचारों को देखेंगे संवेदना को देखेंगे और देखना ही है केवल दृष्टा भाव में रहना है इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और ये करने से ही जो है अब प्रतिक्रिया नहीं की तो हमारा जो कषाय वो अपने आप ही टूट गया तो प्रतिक्रिया करेंगे तो या तो क्रोध आएगा या मान जगेगा या लोभ जगेगा तो हमने प्रतिक्रिया करना बंद किया तो जितनी बात हम कर रहे हैं उसमें उसको हमारा हमारा क्रोध शांत होगा क्रोध शांत हुआ तो हम खुद ही शांत हो गए शांत हो गए तो हमारा दुख तो खत्म हो गया लोभ शांत हुआ तो उतना दुख खत्म हो गया, तो को खत्म करने का कारण का तरीका यही है कि हम दृष्टा भाव में आए प्रतिक्रिया बंद करें अगर इधर उधर सब जगह को ढूंढने के बजाय अगर हमने वैराग्य किया वैराग्य का मतलब है कि हम जो चीज है हमको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए उनको छोड़े छोड़ने का मतलब केवल ऐसे नहीं कि हमने छोड़ के साधु बन गए तो वो छोड़ वो छोड़ना नहीं उनके प्रति ममत्व है वो खत्म हो इसमें एक और कविता मेरी इस किताब के अंदर ही है इसके अंदर एक श्लोक आया है गीता में कि मामेकम शरणम व्रत सर्वधर्म प्रत्याजानी मामेकम शरणम व्रत अर्जुन को जो बोलते हैं वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं लड़ाई लडूं कि नहीं लडूं तो का कि सब छोड़ तो मेरी शरण में आ जा सब मुक्त हो जाएगा तो वहां जब वो कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा उसका ये मतलब नहीं कि वो कृष्ण की शरण में जाए उसका मतलब है कि अपनी शरण में आ जाओ अपनी तो इसीलिए सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ मामेकम शरणम व्रज मामेकम शरणम मां मैं ही मंदिर मैं ही मस्जिद मैं ही गिरजा गुरुद्वारा मैं ही कृष्ण हूं मैं ही राम रहीम मैं ही इंसा ईसा मैं ही नानक मैं ही उमावीर मैं ही तू है तू ही मैं है मैं हूँ दो नहीं सब एक है बाहर नहीं है कुछ भी सब कुछ तेरे अंदर देखे जो तू अपने अंदर पावे सबका मीत सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ मामे कम शरण्रज मामे कम मैं ही करता मैं ही भोगता मैं ही मैं ही दृष्टा मैं ही दुश्मन मैं ही अपना मीत गुनागार में गवाह में मैं हूं मैं ही मुनसिफ मैं ही जज सुख भी अंदर दुख भी अंदर स्वर्ग नरक सब तेरे अंदर क्यों ढूंढे तू बाहर जैसा सोचे वैसा पावे जैसा पोवे पा, बोवे वैसा काटे ये बा, ये बोध शाश्वत और अनमोल सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा माँ मामे कम, मामे कम कहने का मतलब यह है कि जो कुछ है वो सब तुम्हारे अंदर है बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो कबीर भी कहता है मो मैं तो तेरे अंदर तू कहाँ ढूंढता है मेरे को मैं नाबिक काशी में नकाबा काबा में मैं तो तेरे अंदर हूं तू मत ढूंढ तो चित्त शुद्धि मन पर निग्रह मन पर शासन ये सब जो है हमारे अः साधन है और इनको ही करने से हम अपने चित्त को शुद्ध करके सुखी और जा सकते हैं तो ध्यान का उद्देश्य हो गया हर अनुभव के स्तर पर पहचाने कि मैं शरीर और मस्तिष्क नहीं मैं कुछ और हूं मन को नियंत्रित करें भौतिक संसाधन करने में जो खर्चा ऊर्जा खर्च हो रही बचा, बचा करके इंद्रियों के मालिक बने न कि इंद्रियों के गुलाम इच्छा रहित होना न कि इच्छाओं की पूर्ति ये हमारे आनंद का स्रोत कुंजी है ज्यादातर हम समझते कि इच्छा को पूरी करेंगे तो हम खुश हो लेकिन इच्छा रहित होना वो मुक्ति है रियल रियल मुक्ति है कि हम इच्छा रहित हो जाए अभी मैं इन दिनों योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ वहां भी सब जगह इसमें वही लिख रहा है कि इच्छा रहित हो जाए वासना रहित हो जाए तो आदमी मुक्त है तो ध्यान की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता दी है और उसमें बौद्ध के हिसाब से और जैन के हिसाब से चार तरह के ध्यान है धर्मानुपना चित्तानुपना काया कायानुपना और ध्यान में सावधानी यही रखनी है कि अवचंत मन से पुराने संस्कार जब आते हैं तो उनके उन संवेदनाओं के प्रति सजग होकर प्रतिक्रिया न करें और निरीक्षण करते हैं तो उनको मात्र देखें केवल दृष्टा भाव में बने रहें दृष्टा भाव ही समता लाएगा और समता से ही कषाय का निवारण होगा उसी तरह समता में हम रहें तो रागद्वेश को न जगाएं तो यही कुशाय निवारण की हमारी कुंजी है ये जब हम करेंगे तो हमारे मन में क्या पैदा होगा जब हमने समता में पैदा समता में आ गए छोटा समता में आ गए तो समता पे आने पे करुणा मैत्री मुदिता और उपेक्षा ये पैदा होती हैं। करुणा दया मैत्री अगर ये पैदा नहीं हुए और केवल हमने प्रक्रिया कर ली तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती करी है हमारे शरीर हमारे मन में करुणा पैदा हो मैत्री पैदा हो सबसे प्रति सरसता हो मधुरता हो परिवार में शांति और मधुर वातावरण बने तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा हमने जो है आगे बढ़े अगर ये सब करने के बाद सामायिक करने के बाद मंदिर जाने के बाद परिवार परिवार में मधुरता नहीं है सरसता नहीं है मैत्री भाव नहीं है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है कषाय की कमी परिवार का वातावरण मधुर बना देती है मधुर व्यवहार ही जीवन को सरुस और समुद्र बनाती है प्रेम और प्रसन्नता की प्राप्ति यानी जीवन का मधुरस मैत्री करुणा प्रमोद है आचार्य अमित गति ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है जो महत्वपूर्ण है सत्वेशु मैत्री गुणीशु प्रमोदम क्लिष्टेशु जीवेशु कृपा परत्व मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्त सदा विध धातु देव है मतलब हे परमात्मन मेरी ये भावना है कि मैं सदा प्राणी मात्र के साथ प्रेम करू मैत्री भाव रहे जनों के प्रति प्रमोद रहे दुखी जनों के प्रति मेरी कृपा रहे और विपरीत आचरण वालों के प्रति मेरी मध्यस्थ भावना बनी रहे योग दर्शन जो पतंजलि का है उसमें भी यही बात आई है मैत्री करणाम सुख दुख पुण्य विषयाणम भावना तनम सुख से मैत्री दुखी पर दया पुण्यात्मा से प्रसन्नता और उपेक्षा भाव रखने से राग घृणा ईर्षा आदि का नाश हो जाता है अब कुछ सूत्र के उदाहरण देकर के बात को खत्म करूंगा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि विपसना साधना जो है ये तो बुद्ध की है हमारा इससे क्या लेना देना है ध्यान तो वैसे हम ध्यान ऐसे ही कर लेंगे तो ये जो <clears throat> चीज है उसको देखे देखिए क्या लिखा है जहां अंतो तहा जहां जहा बा अंतो मतलब जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है अंतो अंतो देहांत राणी पासई पुडोवी सविंताई पड़ी ये पंडित पड़ी दया है मतलब जैसा अंदर है वैसा बाहर है जैसा बाहर है वैसा भीतर है अब वो देह के भीतर भीतर पुनः देखता है तो जो मैंने भी बताया आपको कि श्वास को देखा श्वास के बाद शरीर को देखेंगे तो देह के भीतर भीतर पुनः देखता है जो पृथक पृथक करके देखता है एक एक अंग को एक एक हिस्से को देखता है वो पंडित प्रतिलेखन करता है मतलब वो दृष्टा बन रहा है देख रहा है इस तरह से तो इसी तरह से जो देखता है तो क्रोध को हम देखते हैं क्रोध देखते हैं तो हमको माया भी दिखाई देती है जो माया दिखाई दे मान देखेंगे तो माया दिखाई देगी सॉरी क्रोध देखेंगे तो मान दिखाई देगा क्योंकि मान के बिना क्रोध नहीं आ सकता मान देखेंगे तो माया दिखाई देगी और माया दिखेगी तो लोभ दिखेगा और लोभ देखेंगे तो जो है हमको प्रेम और राग दिखता है तो इस प्रकार से हमें देखने से ही हमारे खुद का सबो जागेगा और हम जो है इसके अंदर इसी तरह से तहा चय अस्सी चय पोग चे तम आए तो, तो दिखे, जाने तो धमक जाता दिठे ही नए लोग जे मतलब जैसा तथ्य है भगवान कह रहे हैं जैसा तथ्य है वैसा प्ररूपित किया है उस धर्म को यथा तथ्य जाने इस राग न राग करें न विक्षिप्त हो दृष्टा की तरह निर्वेद रहे अर्थात न वेदे लोकेशना न करें लोकेशना मतलब संसार की चाहना न करें जब तक संसार की चाहना है हम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते और न मुक्ति पा सकते हैं तो हमारी अंतिम उपलब्धि क्या होगी हमारी अंतिम ध्यान से बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्नोपलब्धि शिव स्व की सिद्धि हे भगवान मैं बोधि समाधि शुद्ध विचार स्वात्ना अनुसार अनंत सुख और अनंत सिद्धि प्राप्त कर सकूं यही हमारी जो है अंतिम उपलब्धि होगी तो सम्यक्त्व, सम्यक्त्व से हमें समत्व की साधना हुई हम समता में आए ध्यान से हमने अपने आप को देखा स्वबोध प्राप्त किया और भाव मतलब राग द्वेष से हमने मुक्ति पाई तो ये कुछ बातें हैं जिनको मानने से चा... मानने से नहीं उस पर आचरण करने से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं लोग बाग बहुत तपस्या करते हैं उनको बहुत संबोधना मिलती है तो साथ में कहा कि अगर आपका क्रोध समाप्त हो गया तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं और अगर क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो तपस्या करना व्यर्थ है ये ज्ञान के अंदर से कह रहा हूं यदि क्रोधा दया में बिर, तब तब तवासे पार्थकम मतलब अगर क्रोध है तो तपस्या बेकार है और अगर तपस्या क्रोध खत्म हो गया फिर तपस्या की कोई जरूरत नहीं है तो राग द्वेष से रहित होना कषाय को शांत करना सबके प्रति मैत्री भाव आत्म स्वरूप में रमण सब प्राणियों को आत्मत मानना और शुभ आचरण ये शुभ आचरण ये सब सम्यक्त योग के ध्यान के जीवन के अंदर सुख सुख लाने के लिए ये मूल बातें हैं इनको आप ध्यान में रखें और अपने जीवन को सुधारें ध्यान का आचरण करके और अपने जीवन में सुख लाए धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच रंजित सर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हमारे आज के टॉपिक का ध्यान से कषाय मुक्ति जिससे ये बहुत इजीली हमें आज के सेशन सेशन से सीखने को मिला कि आज जो हमारे भौतिक साधनों से जो हमें सुख पाने की जो मानसिकता हमने जन्मा ली है उसे हमें छोड़ना होगा क्योंकि तो चित्त की शुद्धि ही सबसे ज्यादा वही जो सरल सुख जो मिलता है वो चित्त की शुद्धि से ही मिलता है और चित्त की शुद्धि के लिए हमें मोह और तृष्णा से ऊपर आना पड़ेगा और दुख को अंत कर अंत करना है जैसा कि आपने बताया तो यू हैव टू मूव इनवर्ड अंतर्मुखी होना पड़ेगा और जिसके लिए अंतर्मुखी होने के लिए आपने ध्यान को एज अ टूल हमें समझाया ध्यान बहुत इजीली किया जा सकता है जिससे हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं अपने आप से और इमीडिएटली एक तरह का शांति अपने आप में ही पा सकते हैं ऑफ कोर्स वी नीड टू प्रैक्टिस जैसे आपने बोला इसे आचरण में लाने की ज़रूरत है ना कि सिर्फ शिक्षा और सुनने की थैंक यू सो मच सर चूँकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन उभर के आते हैं तो मैं आपकी अनुमति से ये पे थोड़ा दो एक दो प्रश्न लेना चाहूंगी सर तो so, uh, किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेस करिए ऑलरेडी जी प्रदीप सर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रणाम स्मिता जी प्रणाम रणजीत जी बहुत बहुत अच्छा लेक्चर हुआ बहुत जानना मिला आप जो पुस्तक पढ़ रहे थे वो हमें पाना है तो उसका नाम बराबर बताइए और किससे किधर मिल सकता है ये पुस्तक है जीने की राह की राह अबार जीने की राह ये राहत भारती जयपुर से छपी है आप जी जी आ, हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारे पुस्तकों की जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करें सर जी जी सर थैंक यू सो मच सर रचना जी आप अपना प्रश्न पूछिए सर अभी आपने जो सांसों पे ध्यान कराया जी। आ, उसमें हम अपनी सांस को नहीं पकड़ पा रहे मतलब कब आई और कब गई इतना सूक्ष्म है अगर हम वॉलेंट्री ब्रीदिंग करेंगे तो पकड़ पा रहे बट अदरवाइज नहीं हो रहा है फिर कैसे करें देखिए शुरू में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि शुरू में ऐसा लगेगा जिससे सांस का पकड़ नहीं आ रही है तो मैंने कहा कि अगर सांस पकड़ में नहीं आ रही तो कुछ सांस एक दो सायास लेकर के देख लीजिए ऐसे तो पता लग जाएगा फिर धीरे धीरे आप इसको ऊपर ध्यान देंगे तो बाहर से हट करके ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा एक मिनट दो मिनट आपको दो तीन सांस तो कम से कम दिखाई दी जाएगी फिर मन चला जाएगा फिर वापस आ जाइए फिर आपको शायद दो तीन सांस फिर दिख जाएंगी तो ये प्रैक्टिस करने के बाद होगा एकदम आप कहें कि अभी पांच मिनट बैठे और सांस नहीं दिखा तो वो तो नहीं है लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे दिखने लगेगा बल्कि इसके अंदर आगे जाकर के सांस बाई नाक से आ रहा है या धाइने से आ रहा है सांस मेरा कहाँ छू रहा है नाक में छू रहा है या होठ पे छू रहा है तो इस प्रकार से हम आगे जो प्रैक्टिस कराते हैं दस दिन की तो दस दिन की प्रैक्टिस में से तीन दिन तो केवल इसी आनापान को कहते हैं कि कि हम सांस को देख रहे हैं सांस को देख रहे हैं और दिन में अगर बारह घंटे हम ये सांस को देखेंगे घंटे के अंदर डिवाइड करते हैं सांस इसके प्रैक्टिस को तो तीन दिन बाद जो है हमको पूरा अनुभव होने लगता है कि हाँ सांस दिख रहा है और उसके बाद ही मन जब स, हो जाता है स्किलफुल तब जो है हम शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और शरीर की संवेदना को देख पाते हैं इसके पहले शरीर की संवेदना भी नहीं दिखाई देती है तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है सांस को देखना तो और अगर स्टार्टिंग पॉइंट में हमने कोशिश की तो सफलता मिलेगी जी थैंक यू सो मच रचना जी आपके प्रश्न का सर एक प्रश्न यह भी है कि माइंडफुलनेस uh, और uh, अंतर्मुखी और लुकिंग इन वर्ड में क्या डिफरेंस है क्या हम आंखें बंद किए बगैर माइंडफुल या आ, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं देखिए बहुत आगे जा करके तो हो सकते हैं लेकिन शुरुआत के अंदर तो आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी क्योंकि आंखों से हमारा मन इधर उधर भागता रहता है तो आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो इंट्रोवर्ट होने के लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा कानों को तो बंद नहीं कर सकते हो लेकिन जो ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर बाहर का शोर ना हो अगर टीवी चल रहा है लोग बातें कर रहे हैं वहां पर आप ध्यान करने बैठोगे नहीं कुछ नहीं होगा तो शांत जगह पे शांत समय में ऐसे अर्ली मॉर्निंग में जहां पर जबकि कोई हलचल नहीं है उस वक्त ही आंखें बंद करके आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं अगर मन को एकाग्र करना है तो इंद्रियों के जो डिस्टरबेंस हैं उनको तो कम करना ही पड़ेगा पड़े। मैनेज करना ही पड़ेगा थैंक यू सो मच सर आई थिंक हमारे पास सभी प्रश्न नहीं है और योगेश शाह जी या प्रश्न लीजिए बहुत सुंदर रहा सर व्याख्यान अपना सर मुझे एक डाउट है जो हमारा स्वाद जो जो हमारा स्वाध्याय तप है तो क्या हम इसे विपसना समझें या ये डिफरेंट है, होता है यानी क्योंकि उसमें अनुप्रेक्षा भी आ जाता है ना तो ये डिफरेंट होता है या यानी स्वाध्याय अगर केवल किताब पढ़ने का है पुस्तक पढ़ने का है तो वो तो ध्यान में नहीं आएगा वो ध्यान उससे अलग है स्वाध्याय को अलग रखा है ध्यान को अलग रखा है तो, और केवल अगर आप अपना अध्ययन कर रहे हैं खुद का किताब बना पड़े और आंखें बंद करके अपना अध्ययन करें तो वो ध्यान है तो इसलिए जो स्वाध्याय है दो तरीके से है एक तो पढ़ना अनुप्रेक्षा चर्चा ये सब आ जाते हैं तो वो ध्यान नहीं होता है ध्यान के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा और अपने आप को बाहर के वातावरण से दूर करना पड़ेगा तो हम स्वाध्याय का एक टाइप यानी जो ध्यान का टाइप एक विपक्षना स्वाध्याय स्वाध्या नहीं है ओके अच्छा विपशना तो मतलब यह है कि वही आपको अंदर जाना है पश्चना मतलब होता है देखना विपशना का मतलब विशेष रूप से देखना तो विशेष रूप से देखने के लिए आपको आंखें बंद करके अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना होता है ओके तो स्वाध्याय यानी हमारा जो नॉर्मल वाйна जो वाचना पूछना वही होता है जो अपने वाचना पूछना ही होता है ओके ओके सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू चंदा जैन जी आप प्रश्न पूछिए जी हाँ जी जी सुनाई दे रहा है क्या मेरी आवाज हां आवाज आ रही है बोलिए स्टार्ट माय वीडियो जय okay. जिनेन्द्र सर आज आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर मतलब कितनी सारी शंकाओं का निरसन हमारा उसमें हो गया बहुत अभ्यासपूर्ण था वो और पॉइंट पॉइंट इतने अच्छी तरह से शांति से समझाया आपने कि वो एक बार सुनने से ही काफी हद तक समझ में आ गए हैं फिर भी मेरा एक ऐसा सवाल है मान लो कि मैं ज्यादा जानती नहीं हुई इसमें फिर भी निर्जरा के जो बारह भेद है अनशन से लेकर कायोत्सर्ग तक तो इसमें क्या ये क्रम से ही शुरू करने होते हैं या फिर हम डायरेक्ट ध्यान पर आ सकते हैं कि केवल अनशन अनशन करने से ही हो जाएगा इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत है कि क्या करें ऐसा कोई क्रम नहीं है क्रम नहीं है। निर्जरा के जो बारा भेद है उनमें कोई क्रम नहीं है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और इनको भाइये और भाई आंतरिक जरूर बताया है तो भाइये का मतलब है कि उनका असर कमी होगा आंतरिक जब अंदर में जाएंगे उनका असर ज्यादा होगा तो आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे उसके लिए आंतरिक बताया है अगर आप जैसे वह करते हैं वहियावच का मतलब सेवा तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं आप अपना मान खत्म कर रहे हैं आपका अहम खत्म कर रहे हैं अपने उसको करुणा प्रताप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी जो है परिवर्तन है अपने आप में इसी तरह से जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बाहर से हट के अंदर जा रहे हैं तो अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं तो अपने आप को परिवर्तित करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि बाहरी करना इसलिए उसको बाह्य क्रिया कर दिया अनशन की इम्पोर्टेंस है कि आपके शरीर की शक्ति होती है सब कुछ है उससे आपके जो है दूसरे आवेश भी कम हो सकते हैं स्वाद पे कंट्रोल कर, कर सकते हैं ये सब कुछ है लेकिन फिर भी परिवर्तन तो आंतरिक होना जरूरी है और आंतरिक परिवर्तन के लिए अंदर जाना जरूरी है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चंद्रा जैन जी uh, मैं एक लास्ट प्रश्न लूंगी शांति जैन सर जी का प्लीज गो हेड सर आस्क के क्वेश्चन यस यस सर 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 अनम्यूट करके बोलिए नमस्कार सर आपका आज का टॉक बहुत ही यूजफुल था और बाकी सब चीजें आपने इतनी अच्छी बताई ये बताइए जब हम ध्यान लगाते हैं आपने कहा सांस के साथ में सांस आए सांस जाए सिर्फ उस पर कंसर्ट पर मन भटकता है और मन बहुत ज्यादा भटकता है मन का भटकाव रोकने के लिए क्या कर सर अभ्यास ही होगा इसके अंदर और कोई तरीका नहीं है इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा क्योंकि मन तो भटकता है मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो एक दिन के अंदर या एक पांच मिनट के अंदर आप जन्मा जन्म से तो मन के साथ भाग रहे हो इधर से उधर भाग रहे हो और आप चाहते हो कि पांच मिनट में या एक दिन में या दो दिन में हो जाए ऐसा नहीं हो सकता इसके लिए इसके साथ बहुत ही धैर्य से मन के साथ काम करना पड़ेगा धैर्य भी, भी जरूरी है क्योंकि मन को अगर हम बाहर जा रहा है तो हम कहते अरे तो मतलब कंट्रोल होता ही नहीं है तो छोड़ो ये काम हो ही नहीं सकता हमसे तो फिर नहीं होगा लेकिन उसके साथ धैर्य से जो है उसको बहुत प्यार से अभी बच्चा जैसे भागता है तो क्या करते हो आप उसको मारते थोड़ी हो बच्चे को प्यार से लाते हो भाई बैठ या, पढ़ने बैठ थोड़ा थो, थोड़ा कर इसी तरह से ये मन बच्चा है इसको भी वापस प्यार से लाइए और उसको साथ कोशिश करिए तो अभ्यास और वैराग्य ये जुड़ती है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हमारे पास समय की मर्यादा है तो मैं यहाँ पे अभी प्रश्न और नहीं ले सकती सो so, यहाँ मैं इस uh, सेशन को विराम दूंगी और uh, फिर से uh, uh, मैं बहुत-बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी तुरंजीत सर फॉर ग्रैसिंग अस विद योर प्रेजेंस ऑन द 151st सेशन ऑफ जैन टॉक्स The session was truly wonderful. हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और वी आर गोइंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू बी प्रैक्टिस थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आपके अनुमति के साथ मैं इस सेशन को विराम देती हूँ सभी को सादर जय जिने धन्यवाद